नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राज, आप सभी लोगों का मेरे चैनल व्हाट्स न्यू पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, फिर से एक नया अपडेट Xiaomi सुपर वॉलपेपर ऐप के अंदर जल्दी ही लाने वाला है, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से एक बढ़िया सा सुपर वॉलपेपर देखने को मिलने वाला है। साथ में गाइस, आपको सुपर वॉलपेपर ऐप है उसका भी अपडेट कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। क्विकली यहां पर आप सुपर वॉलपेपर को स्विच कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप ये जो नया वाला सुपर वॉलपेपर है उसको अपने फोन के अंदर कैसे इनेबल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो गाइस यहाँ पर मैं जो दो फोन यूज कर रहा हूँ दोनों ही रेडमी कंपनी के हैं। अगर आपके पास पोको या फिर मी सीरीज का फोन है, फिर भी आप इस ट्रिक को यूज करके अपने फोन के अंदर नया वाला सुपर वॉलपेपर है उसको इनेबल कर पाएंगे। तो गाइस इसको इनेबल करने के लिए मैंने कोई ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, ना तो मैंने यहाँ पर रूट का यूज किया है, यहाँ पर मैंने रोम कस्टम रोम को भी इंस्टॉल नहीं किया। सिंपल सा ट्रिक है, बस आपको एक थीम है उसको डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना है। ये गाइस थीम है वो चाइना थीम स्टोर से इंपोर्ट किया गया है, तो आपको MTZ फाइल में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले तो प्रीव्यू दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से एक बढ़िया सा सुपर वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको विजेट का सपोर्ट भी दिया गया है। इसको कैसे मैनेज करना है बाद में मैं बताता हूँ, पहले तो आपको यहाँ पर स्लाइड करना है। जैसे ही आप यहाँ पर साइड बार को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐप का एक्सेस आपको लॉक स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो छोटा सा आइकॉन है डेटा वाला, उसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो मेन सेटिंग के अंदर आप आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको सुपर वॉलपेपर का इस तरीके से सेटिंग देखने को मिल जाता है। जो भी सुपर वॉलपेपर आपको सेट करना है उसको बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसको सेट कर देना है। अभी आपको वापस इस डेटा वाले आइकॉन को टैप करना है और यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा जो सुपर वॉलपेपर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। उसके बाद गाइस अगर आपको विजेट को मैनेज करना है तो विजेट का सेटिंग भी आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पर आपको चार विजेट का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, तो जो भी विजेट आपको रखना है उसको बस आपको टैप करना है। मैं आपको यहाँ तक दिखा देता हूँ। जैसे ही आप टैप करेंगे तो छोटा सा लाइन आ जाएगा, इसका मतलब कि ये इनेबल हो चुका है। अभी हम यहाँ पर तीन विजेट है उसको इनेबल कर देते हैं। अभी आपको यहाँ पर इसको वापस से ओपन करना है। यहाँ पर गाइस अच्छी बात यह है कि लाइव प्रीव्यू के साथ ये चलता है, यानी कि आप इसको जहां पर भी रखना चाहे वहां पर इसको सेट कर सकते हैं। इसका साइज है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बढ़िया तरीके से इसको सेट कर लिया है। अभी बस आपको एक बार फोन को लॉक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर अनलॉक करेंगे तो आपका जो विजेट है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप इस थीम को मैनेज कर पाएंगे। सो गाइस अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो मैंने पहले से ही आपको बता दिया है कि ये थीम चाइना थीम स्टोर से इंपोर्ट किया गया है, तो आपको MTZ फाइल फॉर्मेट में ये देखने को मिलेगा। डायरेक्टली आप थीम स्टोर से इसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आप चाहे तो MIUI थीम एडिटर का यूज कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बस डेटा कनेक्शन को ऑन रखना है और इस ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही ये ओपन हो जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ग्रीनलैंड यानी कि थीम का जो फाइल है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके करके यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आएगा तो हम इसको बंद कर देते हैं। और मैंने पहले से ही अपने थीम स्टोर के ऊपर इसको अप्लाई किया हुआ, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे ही वो प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके फोन के अंदर ये थीम आ जाएगा। इसको आप अप्लाई करके यूज कर सकते हैं और नया वाला सुपर वॉलपेपर उसको अपने फोन के अंदर इनेबल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि गाइस आपको ये ट्रिक है वो पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।